Hi guys, it's Shivangi. Welcome to my channel. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आपने कर लिया होगा, तो प्लीज कॉमेंट कर देना, बिकॉज इसी से ही प्रोत्साहन मिलता है किसी भी तरीके के आर्टिस्ट को या यूट्यूबर को. एनीवेज, सो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया है, आज हम कुछ बहुत ही डिफरेंट ट्राई करने जा रहे हैं. आज हम ट्राई करने जा रहे हैं ब्लॉक प्रिंटिंग. थॉट क्यों ना यार इस चीज को ट्राई करते हैं अपने अंदाज में. आज मैं वो रेगुलर वुडन ब्लॉक्स का यूज नहीं करने वाली हूँ. आज मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने जा रही हूँ. ऐसे जो रैंडम चीजें नहीं होती, हमारे घर में पड़ी हुई, हमारे किचन में पड़ी हुई, हमारे स्टोर में पड़ी हुई, उन सब चीजों को यूज करके करेंगे. अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं वीडियो बनाते बनाते रैंडम चीज़ें ढूंढने वाली हूँ. सो आई एम श्योर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग ऑफकोर्स होने ही वाला है, क्योंकि एज यूजुअल बस स्टार्ट कर लेते हैं हम वीडियो को एंड देन एंड में ही पता चलता है क्या होगा इस वीडियो का. स्टार्ट करते हैं यार, आपसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, मजाक नहीं करी. सो यार यहाँ पे मैंने अपने कबाड़ से काफ़ी रैंडम चीज़ें निकाली है. इट इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको लगे यार इससे करने जा रही हूँ, बट हाँ यार मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग यार, देखते हैं यार इन चीजों से कुछ पॉसिबल है भी या मैं यहाँ पे बहुत ही रैंडम कलर्स का भी यूज करने वाली हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम रंगीला पेंट्स टू एक्रेलिक कलर्स. जो मन करेगा वो करेंगे यार. आज की वीडियो काफी ज्यादा फन है सीरियसली. शू को प्रॉपरली पेंट करने के बाद लेट्स सी कि इसका पेंट छपता कैसा है, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दिस. फिंगर्स क्रॉस्ड यार. अबे यार ये कैसा लग रहा है, मे बी मैंने प्रेशर अच्छे से नहीं दिया था. सो आई एम गोना अप्लाई प्रेशर वापस से एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट. डूड दिस इज नॉट वर्किंग. बट ठीक है यार, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है यार. ओपन पार्ट टू. कोई ना यार, आई हैव अनदर आइडिया, डेफिनेटली दैट्स गोना वर्क. सो यहाँ पे मैं डबल साइडेड टेप का यूज करके कुछ क्रेजी करने जा रही हूँ. क्रेजी मतलब सिंपल एंड डिफरेंट. यहाँ पे मैं सबसे पहले डबल साइडेड टेप को अपनी मनपसंद शेप में कट कर दूंगी एंड देन होगा मेन गेम शुरू. इसका एक पार्ट तो पेन में स्टिक कर दूंगी एंड दूसरे पार्ट से हम स्टार्ट कर लेंगे अपनी स्टैम्पिंग. कूल राइट. सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ अपनी मिनी स्केच बुक. आई होप आप लोग को याद होगा यहाँ पे मैंने 2-3 अर्बन स्केचिंग बना रखी है एंड मैं इसी के कवर पे करने वाली हूँ आज कलाकारी. यहाँ पे मैंने डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन बना दिए है एंड अब मैं जल्दी से छापा छापी करने वाली हूँ. ओ गॉड यार दिस इज एक्चुअली लुकिंग प्रिटी. आई मीन आपको अच्छे पेंटिंग स्किल्स की जरूरत नहीं है ब्लॉक प्रिंटिंग में, यू जस्ट नीड अ थप्पा एंड यू जस्ट हैव टू थप थप थप. आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से राइट. एनीवे गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू अवर सेकंड एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे मैं कार्डबोर्ड का यूज करके रैंडम शेप्स बनाऊंगी. पहले वाले में मैंने सिर्फ पत्ते बनाए थे, इस बार मैं फूल भी बनाने वाली हूँ. सो दैट इज व्हाई इट्स गोना बी इवन मोर एक्साइटिंग गाइज. अगर आपके पास कोई भी गत्ता है बस आप ला के धर दो एंड उसे कट कर दो. मैं इन्हीं शेप्स का प्रिंट बनाने वाली हूँ यार. दिस इज गोइंग टू बी सो एक्साइटिंग. भाई साहब आई एम नॉट श्योर इफ दिस गोना वर्क और नॉट. पलट 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 शिवांगी, नाउ वी नीड टू सी. ओके आई लाइक इट. आई मीन ये सच में ऐसा लग रहा है जैसे फैब्रिक में प्रिंट हो रखा हो. आई लाइक इट. कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको अभी तक का प्रोसेस कैसा लग रहा है. दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड यार. एनीवे मैं बाकी के पैटर्न्स को भी जल्दी से कलर करके इस पे छापा छापी शुरू कर दूंगी. आई एम सो एक्साइटेड टू सी द फाइनल आउटकम. लेट्स सी बाद में हम इस पेपर का क्या करते हो, कि हम इस पेपर को ऐसे ही रहने नहीं देंगे यार. इसका कुछ ना कुछ तो करेंगे पक्का. आई एम थिंकिंग क्यों ना मैं इस पेपर को कार्ड बना दूं. जल्दी से मैं इसके ऊपर एक पेपर स्टिक करूंगी एंड उसके ऊपर हेलो लिख दूंगी एंड उसके ऊपर कार्डबोर्ड स्टैम्प्स को स्टिक कर दूंगी. और हो गया हमारा इजीएस्ट कार्ड रेडी. व्हाट डू यू गाइस थिंक. नाउ मूविंग ऑन विद आवर थर्ड एक्सपेरिमेंट. ये एक्सपेरिमेंट तो मतलब लाजवाब होने वाला है ऐसा मुझे लगता है. तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं यार. सो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कार्डबोर्ड एंड ऊन. ऊन मतलब वूल यार. सो मैं सबसे पहले कार्डबोर्ड को ऊन से रैप कर दूंगी. आपको जिस भी पैटर्न में करना है करो. मैं अभी एक नॉर्मल सा पैटर्न कर रही हूँ बिकॉज एक्सपेरिमेंट है ना यार, खराब हो गया तो फिर ऊपर 3 हो जाएगा, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ. सो बस यार यही करके मैं सेकंड पीस भी कंप्लीट करूंगी. इसमें मैं गुजपुच कर रही हूँ वूल के साथ बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स एज वेल. वंस दिस इज डन मैं अब स्टार्ट करूंगी अपना एक्सपेरिमेंटेशन गाइस. अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट बिकॉज एक्रेलिक पेंट से मुझे प्यार है एंड यू गाइस ऑलरेडी नो इट एंड मैं अपने प्यार से ज्यादा दूर नहीं रह सकती. अब मैं इसको छापने वाली हूँ गाइस. दिस इज सो एक्साइटिंग. मतलब मेरे को नर्वस भी फील हो रहा है. आई हैव नो आइडिया ये कैसा लगेगा.
पलट पलट पलट। वाओ दिस लुक्स सो प्रिटी गाइस, काफी प्यारा रिजल्ट है यार। इनफैक्ट आप इस वूल के डिफरेंट पैटर्न्स को छाप सकते हो, कितना कूल लगेगा यार। यार ये क्रॉस क्रॉस वाले को तो हम बुकमार्क की तरह भी यूज कर सकते हैं, वेरिएशन भी ला सकते हैं कलर्स का। बट एनीवे अब मैं ब्लू कलर प्रिपेयर कर रही हूँ टू पेंट ऑन दिस गुसपुसी। इस टेक्सचर का नाम मैं रख रही हूँ गुसपुसी। दीज रैंडम नेम्स आई टेल यू शिवांगी। बट एनीवे मैं इसको भी ट्राई करती हूँ कैसा लग रहा है। इससे मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी कम है, सो लेट्स सी। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंटल हो रहा है यार वीडियो। वो भाई साहब कितना कूल लग रहा है ये। गाइस हम इसमें रेनबो कलर्स ऐड करके भी कर सकते हैं। दिस विल लुक सो डैम क्यूट। कितना ज्यादा सही लग रहा है यार ये। ओहो क्या बात है यार, हम इससे स्माइलीज भी बना सकते हैं। अब समय आ चुका है एक और अद्भुत एक्सपेरिमेंट का। ये एक्सपेरिमेंट भी पता नहीं क्या होने वाला है यार। रैंडमली आइसक्रीम स्टिक मेरे साइड में पड़ी थी, मैंने सोचा इसी से ही पुचुक पुचुक शुरू हो जाए, बिकॉज क्या हो रहा है यार, जिस वीडियो में सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही होता जा रहा है। बट एनीवे आई एम लाइकिंग इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस तरीके की वीडियोस अच्छी लगती है या नहीं। आपको तो भैया बस प्रॉपर आर्ट ही चाहिए, मुझे प्लीज ये बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आपको क्या देखना पसंद है। ये जो मैं धारियां बना रही हूँ ना, धारियां हाँ मतलब लाइंस यार, ये रैंडमली बना रही हूँ बस इसको थोड़ा वो हो एंड पुराना लुक देने के लिए। बेसिकली ऐसे वो जो एंशियंट टाइप की बुक्स होती थी ना, आई एम श्योर आपको नहीं समझ आ रहा होगा मैं क्या बकवास कर रही हूँ, बट मैं कुछ तो बकवास कर रही हूँ। जैसे पुरानी स्क्रिप्ट्स नहीं होती थी, वैसा लुक दे रही हूँ। सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर फाइनल एक्सपेरिमेंट। पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अगर आप काउंट कर रहे हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मैंने अभी तक टोटल कितने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं यार। अब मैं यूज कर रही हूँ इस, पता नहीं किसका डब्बा था यार ये पड़ा हुआ। तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रही हूँ ये अभी तक का हिस्ट्री का सबसे इजीएस्ट और चुन्नू एक्सपेरिमेंट है, बिकॉज इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस पेंट कर दो एंड छाप दो, यू आर डन। वाह क्या कलाकारी है, कितना आसान था, मतलब इसे एक्सपेरिमेंट भी नहीं, मैं तो इसे बोलूंगी टाइम पास। लिटिल सेंस में टाइम पास था। हमारे आसपास ऐसी फालतू चीजें पड़ी रहती है ना, हम उन्हें फेंक देते हैं, बट अल्टीमेटली हमें आर्ट में भी हेल्प कर सकती है। मतलब क्या आप इस बात को मानते हो कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो। एंड यस आई गेस दिस इज इट। इसमें बस मैं बीच में हार्ट ऐड कर लूंगी, बिकॉज मैंने इस वीडियो को बड़े ही प्यार से बनाया है। एंड यार कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगती तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले हफ्ते, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, आई लव यू गाइज।